हेलो एवरीवन, वेलकम टू डी रिजॉर्ट। आज हम पहले हॉर्स फार्म पे गए एंड देन आई मेट ऑल द हॉर्सेस। सभी घोड़ों को चेक किया मैंने कि इनकी ओवरऑल हेल्थ कैसी है। ये है हमारी बच्ची मन्नत। मन्नत इज़ अ लविंग फीमेल, बहुत काम नेचर की बच्ची है ये। एंड देन फिर मैंने हमारी नई जो घोड़ी हमने रखी है उसको स्टेबल में डाल दिया। इसको काफ़ी देर तक रनिंग करवाई थी, इसको हम रुकने का कमांड सिखा रहे हैं कि ये बुलाने पे रुक जाए। तो अगर इसे मैं रुकने का बोलता हूँ तो ये रुक जाती है, अगर इसे बुलाता हूँ तो ये रुक जाती है। ये गुस्सैल नहीं है बट ये दूसरी घोड़ियों के साथ अच्छे से नहीं रह पाती है। ये बहुत यंग मेयर है, ये अभी दो दांत है। इसकी एज अराउंड 34 मंथ्स है और इसकी हाइट करंटली 64 इंचेस है। ये तैमूर की बच्ची हैं और ये अभी हमारे पास हैं और ये इसके रनिंग करते हुए के वीडियो हैं। लुक एट हर ट्रॉटिंग, मतलब एक नज़ारा देखने को बनता है जब ये ट्रॉट करती है। इसका बोन स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर बच्ची है ये। लुक एट हर ट्रॉटिंग। फिर हमने बाहर निकाला हमारे स्टेलियन हंसराज को। ये हमारी एक और नई घोड़ी है जिसको अभी तक हमने दिखाया नहीं है क्योंकि उस शरीर में थोड़ी डाउन है। उस घोड़ी को हमने रिसेंटली ख़रीदा है। ही इज़ वन ऑफ आवर स्टेलियन। हमारे पास दो स्टेलियंस हैं, उनमें से एक ये है। इसका जो सायर है वो है नागराज जो धानीवना के पास था और नागराज हंसराज वखाना का। ये बहुत ही अच्छा प्रोड्यूसर घोड़ा है। इसको हम ये राइडिंग में था बट हमने इसको कंटिन्यू राइडिंग करी नहीं, तो अब ये थोड़ा स्टबर्ननेस दिखा रहा है काउडिंग के चक्कर में। तो हम इसको कंटिन्यू राइड करेंगे और इसको डेली प्रैक्टिस देंगे ताकि थोड़ा शांत हो। और ये रहा मैं इसको लंजिंग देते हुए। ये लंजिंग लेने के टाइम बहुत स्टबर्न है तो मुझे थोड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। हमारे जो भाई है अर्जुन भाई, उनको भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हम एक बॉटल में कंकड़ डालकर एज अ साउंड बनाते हैं ताकि घोड़ा फ्लो में चले। हम मारना पीटना पसंद नहीं करते घोड़ों को कोई काम करवाने के। हमें लगता है कि आप अगर डेली 10-10, 15-15 मिनट घोड़ों को दें तो आपके घोड़े आपकी बात अच्छे से सुनेंगे, अच्छे से समझेंगे। आप उनको घोड़े ट्रेन करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप पहले उनको रुकना सिखाएं। कि अगर जैसे मैं इस घोड़े को लंजिंग करवा रहा हूं और मैं इसको बोलता हूं स्टॉप, तो ये घोड़ा रुकना चाहिए। अगर ये घोड़ा रुकता नहीं है तो
तो ये राइडिंग करवाते वक्त भी नहीं रुकेगा। तो इस चीज़ का आप बहुत स्पेशल ध्यान रखें कि जब आप घोड़ा कोई भी राइड कर रहे हैं तो आपको उस घोड़े को रुकना आना चाहिए। लंजिंग के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, घोड़ा आपके कंट्रोल में आ जाता है, घोड़ा आपसे कनेक्ट हो जाता है। अब आप घोड़े को लंजिंग, लोग घोड़े को लंजिंग थकाने के लिए भी देते हैं। ये हमारा घोड़ा थोड़ा स्टबर्न है और ये बहुत जिद कर रहा है। कुड बी रीज़न कि इसकी एज हो गई है, इसलिए भी ये नाटक कर रहा है बहुत ज़्यादा। और एग्रेसिव नहीं कहूँगा मैं इस घोड़े, बट ठीक है फिर भी ये मना कर रहा है हमारे को, हमारे को काम नहीं कर रहा। अब हम इसको मारना पीटना नहीं चाहते। फिर हमारे यहाँ पे डॉक्टर अभिजीत भैया हैं, उनके पास चार डॉग्स हैं जो लासा इंटू हस्की हैं। ये चारों बच्चे फार्म पे आए थे क्योंकि उनको ओपन स्पेस एरिया चाहिए था खेलने के लिए। सो दे ऑल केम एंड उनको बहुत मज़ा आया, दे सेंट अस अ गुड रिव्यू रिगार्डिंग दी पप्स। सो इनके पास हल्क, वाइटी और बेला एंड उनकी मदर, एक बच्ची और है उसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है। Because we have a big place for them to run around, so they can run as much as they want without any hesitation and anything else. As you can see how much they're enjoying. So if you have a pet, you can book with us for a playground, and you can also come and see us to see horses and everything. Now this is Bubbly and Mannat. As always, ये दोनों अपने अलग ही रुबाब में रहते हैं। बहुत कम घोड़े होते हैं जो इस लेवल की ईयर प्रोफाइल, नेक प्रोफाइल और लेंथ पे आते हैं। यू ईयर प्रोफाइल फिर भी आपको मिल जाएगी, बट जो एक बच्चे में हाइट होनी चाहिए, जो एक बच्चे में कैलेबर होना चाहिए, वो पेडिग्री से ही आता है। मन्नत की पेडिग्री इसकी मदर डायरेक्ट तूफान संग्रिया की है, इसका सायर राज आदित्य है जो विजय देव का बच्चा है। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरी गुड ब्लड लाइन्स। एंड फिर हमने निकाला हमारी बच्ची अंबर को। अंबर को एक हमारे अच्छे दोस्त हैं पाली से, उन्होंने कहा कि हमें अंबर पसंद है और आप हमें इसका रीसेंट एक वीडियो डालें, इसलिए हमने अंबर का एक रीसेंट वीडियो बनाया है। अंबर इज़ अराउंड 29 टू 30 मंथ्स के बीच में है ये भी है। और ये दो दांत कर रही है, अब इसने चालू किए हैं दो दांत करने। एंड शी इज़ अ ब्यूटिफुल स्पेसिमेन। इसकी मदर भी विजय देव की है जिसकी हाइट करीब 64 है। ये हमारी होम ब्रीड फिली है और इसका सायर है नागराज, जिसका नाम अब हमने हंसराज रख दिया। जो घोड़ा मैं पहले ट्रेन कर रहा था वो सी का सायर है। ये घोड़ी अभी बच्ची है और ये 62 प्लस है आज की डेट में। स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छी ब्रूड मेयर बनेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।